अब उनके बारे में मैं क्या बताऊं, कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, ये कहीं से पॉलिटिशियन है ही नहीं, पॉलिटिक्स करने नहीं आता, नहीं तो पॉलिटिक्स करने आता तो उनके तीन विधायक उनसे अलग नहीं होते। अरे बीजेपी के सहारे कोई मुकेश सहनी जान गया, नहीं तो कौन मुकेश सहनी को जानता था भाई। अब उनके बारे में मैं क्या बताऊं, कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, ये कहीं से पॉलिटिशियन है ही नहीं, पॉलिटिक्स करने नहीं आता, नहीं तो पॉलिटिक्स करने आता तो उनके तीन विधायक उनसे अलग नहीं होते। अरे बीजेपी के सहारे कोई मुकेश सहनी जान गया, नहीं तो कौन मुकेश सहनी को जानता था भाई। विकास होगा क्या? बिल्कुल विकास, विकास की समीक्षा के लिए ही बैठक होती है, विकास नहीं होगा तो बैठक का कोई मतलब नहीं रहेगा। विकास के लिए ही बैठक होती है, विकास की समीक्षा के लिए बैठक होती है। अच्छी बैठक रही, अध्यक्ष जी अभी बैठक ले ही रहे हैं, हमको कुछ अति आवश्यक कार्यों से दिल्ली निकलना है इसलिए मैं निकल रहा हूँ, लेकिन अपनी सारी बातों को रख करके निकल रहा हूँ। मुकेश सहनी लगातार जुटे हुए हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, कार्यालय खोल रहे हैं। अब उनके बारे में मैं क्या बताऊं, कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन क्या तैयारी उनकी हो रही हो तो अपने खुद जान रहे होंगे। मैं इतना जरूर जानता हूं कि कहीं से पॉलिटिशियन है ही नहीं, पॉलिटिक्स करने नहीं आता, नहीं तो पॉलिटिक्स करने आता तो उनके तीन विधायक उनसे अलग नहीं होते। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उनके साथ अगर विधायक रहते तो वो लालू जी के साथ चले जाते। ये उनकी सोच है, वो तो शुरू से इसी सोच में चलते हैं, वो तो बीजेपी के सहारे नैया पार करना चाहते थे, और लालू विचार के सोच के लोग हैं ही, जो कई बार पारदर्शित भी कर चुके हैं। इसलिए हम लोग तो, और हम जितने तीनों विधायक थे, ये तीनों विरोध के विधायक थे, लालू विरोध के विधायक थे, इसलिए हम लोगों ने अपना एक्शन लिया और बीजेपी के साथ है। कार्यालय खोला है, संजय जायसवाल जो आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उनका गढ़ हो गया, मुकेश सहनी का गढ़ हो गया। ऐसे ऐसे लोग के मोर्चा खोलने से बीजेपी का कुछ होने वाला नहीं है। अरे बीजेपी के सहारे कोई मुकेश सहनी जान गया, नहीं तो कौन मुकेश सहनी को जानता था भाई। इसलिए ऐसे ऐसे मोर्चा खोलने वाले बहुत से आएंगे जाएंगे। बीजेपी की हार पर काफी खुश दिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं, जब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव वो भी हारे, बड़ी मजबूती से लड़े, पार्टी की वोट की बात छोड़ दीजिए, उनकी वोट कितनी आई उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अपना बेस भी जो वहाँ से लड़ रहे थे चुनाव, उनके पिताजी वहाँ से 8 बार रह चुके हैं रमई राम जी, उनका अपना बेस था, अपना वोट आया, और उसके बाद ही बीजेपी को हराने पर उनकी खुशी हो रही है। तो आप सोच सकते हैं किस विचार के, किस मानसिकता के लोग हैं। और इसी तरह से शायद मुझे लगता है कि पूरे बिहार में जहाँ जहाँ कैंडिडेट देंगे वहाँ कैंडिडेट यही सोचेंगे कि नहीं मुझे जितना नहीं, हम हराने के लिए कैंडिडेट देंगे, नहीं वैसे जनता नहीं करेगी। ये उपचुनाव था इसलिए उपचुनाव में कुछ अलग बात होती है। 2024 में जो कैंडिडेट उतारेंगे बीजेपी के खिलाफ तैयारी, तो नुकसान होगा? नहीं, हम लोग तो जैसे जहाँ तक हम लोग का अपना दायरा है, हम पूरे बिहार की बात नहीं बता पाएंगे, 2-4-5 जिला में जाते आते रहते हैं, ऐसे जगहों पर कोई नुकसान नहीं होना है। नुकसान ना।